बाइनेंस पे अपनी टू एफ ए वेरीफिकेशन कैसे करते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। अपना लॉगिन कर लीजिए, यहाँ सिंपल सा कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर में ही करना पड़ेगा टू एफ ए वेरीफिकेशन करने के लिए। तो सिंपल सा यहाँ पे मैं कर दिया हूँ वेरीफिकेशन, ये लॉगिन पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। अब ये कुछ इस तरह ऑप्शन आ गया, तो लॉगिन आप तो उसके बाद क्लिक करना है। ये जो है ना इसको, ये जो खाँचा है इसको एकदम सेट कर देना है, एकदम सिंपल बराबर चाहिए, और इसे छोड़ देना है तो क्या है लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह ये लोडिंग हो रहा है, अभी लॉगिन हो जाएगा। फिर रॉन्ग हो गया, अब दोबारा से मुझे ट्राई करना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह ऑप्शन आ गया, तो काफ़ी इसमें देख लीजिए अच्छे से क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपल था ये जो टू एफ ए वेरीफिकेशन, ये SMS वाला अगर करना चाहते हैं आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, तो वो क्या है सिर्फ चाइना वालों के लिए अलाउ है, उसको आप कर नहीं सकते। और उसके बाद यहाँ पे दे रहा है गूगल ऑथेंटिकेशन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। और ये गूगल ऑथेंटिकेशन ना एक एप्लीकेशन भी होता है, प्ले स्टोर से आप अपने मोबाइल में लोड कर लीजिए। अब सिंपल सा मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ गूगल ऑथेंटिकेशन पे, इस पर क्लिक कर दिया हूँ, प्रोसेसिंग हो रहा है। ये आ गया कुछ इस तरह ऑप्शन आ गया, देखिए स्कैन कोड आ गया, और नीचे जहाँ बार कोड है उसके नीचे देखिए कोड आ रहा है। तो इसको क्या करना है, आपको कॉपी कर लेना है, इसको कॉपी कर लेना है आपको अच्छे से। उसके बाद ये कोड आपको कॉपी कर लेना है, और सिंपल से ये जो कोड दिख रहा है आपको इसको स्कैन करना है। आप कैसे स्कैन करना है, मोबाइल में स्कैन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने एप्लीकेशन लोड कर लिया ऑथेंटिकेटर, तो इससे स्कैन करना है कोड जो मैंने अपने PC या लैपटॉप या डेस्कटॉप में ओपन किया। तो ये देखिए इस पर मैंने क्लिक किया, तो ऑलरेडी मैं स्कैन कर चुका हूँ एक बार कोड, तो नीचे प्लस दे रहा, नहीं तो आप में डायरेक्टली ऑप्शन दे देगा जब आप न्यू होंगे, तो नीचे मैं प्लस क्लिक करके दिखा दूँ, दो ऑप्शन आ रहा है ना, तो स्कैन बार कोड जो है इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए बार कोड हमको क्या करना है, स्कैन करना है। तो देखिए जैसे ही एकदम स्कैन करेंगे तो एक कोड आ जाएगा, या ऐसे थोड़ी देर वेट करेंगे, ये देखिए कोड आ गया, कोड को मैं हिडन कर दिया हूँ, जो भी कोड आ गया। अब यही कोड क्या करना है, अब उसके आगे नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर पे आपको बताते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कंप्यूटर पे आ गया, अब वो कोड मैं स्कैन कर लिया हूँ, वो कोड हमेशा चेंज होता रहता है, उसको देख के तुरंत ही आपको करना रहता है। तो सिंपल सा आप क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे आ गया हूँ, अब ये नीचे जो बार कोड के नीचे ये कोड भी कॉपी कर लिया हूँ, वो स्कैन भी एप्लीकेशन में आपने कर लिया होगा। तो ऑलरेडी ये साइड में दिख रहा है आई हैव ब्लैक अप कंटिन्यू, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे देखिए जो पहला ऑप्शन दिख रहा है गूगल टू एफ ए 16 digit, तो यहाँ पे क्या करना है, जो बार कोड के नीचे वाला कॉपी किए थे ना उसी को पेस्ट कर देना है। फिर दूसरे नंबर पे वो चीज़ डालना है जो आपने पासवर्ड है, यानी जो आपका पासवर्ड है जिससे साइन इन करते हो अपना बाइनेंस अकाउंट, वो डालना है। फिर तीसरे नंबर पे वही कोड डालना है, तो वो सब कोड में डाल के कंटिन्यू करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने कोड डाल दिया है, इसको सिर्फ हाइड कर दिया सिक्योरिटी पर्पज के लिए। अब देखिए यहाँ पे नीचे इनेबल टू एफ ए पे क्लिक कर दिया, अब जैसे भी क्लिक किया ये देखिए सक्सेस हो गया, यानी हमारा जो टू एफ ए वेरीफिकेशन था वो सक्सेसफुल हो गया। अब हम अपना क्या है विड्रा कर सकते हैं, मिनिमम जैसे देखिए 2 bitcoin तक डेली विड्रा यानी निकाल सकते हैं इसमें से, कहीं भी यहाँ से विड्रा कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा करना है तो हमें ये सबमिट वेरीफिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन 2 bitcoin तो देखा जाए बहुत है, और बाद में सबमिट वेरीफिकेशन का भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो सिंपल सा है, अब क्या है आप बाय सेल कुछ भी कर सकते हो, आप बाइनेंस पे क्लिक करके मार्केट में जा सकते हो, नहीं तो इसका एप्लीकेशन है मोबाइल में चलाने के लिए सबसे बेस्ट है और बेटर है। तो इसी आप करता हूँ, सो थैंक यू, बेस्ट आप लोग।